जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अक्षय कुमार की मच अवेटेड फिल्मों में से एक यानी सरफिरा का फाइनली ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसको लेकर के हमको काफी सारे रिएक्शन देखने को मिले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। और लोगों को जितनी उम्मीद थी कि इस फिल्म का ट्रेलर आने के बाद हमको काफी अच्छा खासा देखने को मिलेगा, सेम वही चीज हमको देखने को मिल रहा है। क्योंकि जब से इस फिल्म का ट्रेलर आया तब से मानो हर जगह बस इसी फिल्म की जो चर्चा है काफी तेजी से हो रही है। और ये चीज जो है फिल्म के लिए काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमको देखने को मिल रहा है कि लोगों को इस फिल्म का ट्रेलर पसंद आ रहा है। और यही चीज है कि लोग जब इस फिल्म को थिएटर के अंदर देखने के लिए जाएंगे तो वो सारी ऑडियंस जो है वो कन्वर्ट होने वाली है अक्षय कुमार की फिल्म के लिए। बाकी दोस्तों, अगर ट्रेलर की बात करें तो एक रुपए में फ्लाइट का सफर, मतलब साफ है कि सरफिरा की कहानी साउथ की फिल्म सरोज पोटरू का ऑफिशियल रीमेक है। इस फिल्म के अंदर अक्षय कुमार, राधिका मदान, परेश रावल और सीमा विश्वास के दमदार अभिनय आपको देखने को मिलने वाला है। और इसको लेकर के ट्रेलर के अंदर भी काफी अच्छा खासा रिस्पॉन्स हमको देखने को मिला था। वहीं आपको बता तो सरफिरा फिल्म का ट्रेलर जारी होते ही मानो सभी सोशल मीडिया के ऊपर तहलका मचाने लगा। और ट्रेलर के दमदार कहानी की शुरुआत होती है, अक्षय कुमार को कर्ज में डूबा हुआ एक शख्स के तौर पर दिखाया गया है, लेकिन इस शख्स का सपना बहुत ही बड़ा होता है जिसको पूरा करने के लिए वो किसी भी हद पे जा सकता है। सारी चीजें आपको इस फिल्म के अंदर ही देखने को मिलेगी जब आप इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर के अंदर जाएंगे। बाकी दोस्तों, जिस हिसाब से ट्रेलर का रिस्पॉन्स हमको देखने को मिल रहा है, इतना तो फाइनल है कि फिल्म जो है तूफान फोड़ने वाली है थिएटर के अंदर। अगर इस फिल्म की टिकट एडवांस बुकिंग जो है अभी ओपन की जाए तो अभी से ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हमको देखने को मिल जाएगा कि काफी अच्छा खासा, काफी भारी मात्रा में जो है इस फिल्म की टिकट जो है बुक होने लगेगी। इसीलिए दोस्तों, मेरा यही कहना है कि अगर आपने इस फिल्म के ट्रेलर को देखा है तो आपका क्या रिएक्शन है इस ट्रेलर को लेकर के हमको कमेंट करके जरूर बताएं। हमें भी तो पता चले कि आपको ये जो ट्रेलर है वो कितना पसंद आया और आपकी क्या राय है इस ट्रेलर को देखने के बाद।